क्यों यूरिया को पहले 50 किलो से 45 किलो किया गया और अब उसी यूरिया में जो नाइट्रोजन आता है जिसमें 46% रहता है वही अभी 37% कर दिया गया। क्या किसान भाइयों के उत्पादन में इसका असर पड़ेगा, समझेंगे पूरे लॉजिक के साथ। तो मैं संजय ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जैकबी पत्तों के हॉस्पिटल में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक यूरिया का नया स्वरूप लॉन्च किया गया जिसका नाम दिया यूरिया गोल्ड, जिसमें नाइट्रोजन 37% रखा गया और सल्फर 17% रखा गया है। ये परसेंटेज कम क्यों किया गया, इसको समझने से पहले यूरिया काम कैसे करता है खेत में किसान भाइयों के, वो समझना बहुत जरूरी है। यूरिया अमाइड फॉर्म में होता है, अमाइड से अमोनिकल बनता है, अमोनिकल से नाइट्रेट बनता है और नाइट्रेट से नाइट्राइड बनता है। इसको ऐसा समझिए कि भूख लगने पर जिस तरह हम डायरेक्ट गेहूं नहीं खा सकते, गेहूं से आटा बनेगा, आटे से रोटी बनेगी, उसके बाद हम खा सकते हैं, ऐसा कोई भी किसान भाई फर्टिलाइजर डालता है खेत के अंदर तो उसके उस इस चेंज में वो फार्मुलेशन में चेंज होने में टाइम लेता है, वो उसके फार्मुलेशन में जाता है, डायरेक्ट पौधा उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है नाइट्रेट में। नाइट्रेट जितना भी किसान भाई फर्टिलाइजर डालता है उसका 60-70% वो लीचिंग हो जाता है, मतलब वो जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाता है। ये नीचे क्यों चला जाता है कि ये NO3, इसका NO3 नेगेटिव में होता है और जो हमारी मिट्टी है जिसमें कोलाइड होता है, जिसका पार्टिकल साइज चार्ज है, पार्टिकल चार्ज है, वो भी हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव की बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए वो हमारा पानी के माध्यम से या वाष्पीकरण के कारण लीचिंग हो जाता है। अब लीचिंग हो गया तो क्या नुकसान है, लीचिंग से सबसे बड़ा नुकसान है ये पानी के माध्यम से नाइट्रोसोमाइन तत्व बनाता है जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र यूज़ होता है वो यूरिया होता है, नंबर एक। दूसरा सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है वो होता है आपका पंजाब, हरियाणा और देन उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो कहने का मतलब कि जब ये मिट्टी के साथ जाता है नाइट्रोसोमाइन पानी को दूषित करता है, इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पानी के अंदर नाइट्रेट 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, लेकिन अभी एट प्रेजेंट 99.5 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है। कहने का मतलब कि हमारी मिट्टी के अंदर नाइट्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वो हमारी बॉडी में आ रहा है पानी के माध्यम से, कहीं कहीं का हमारे वातावरण को भी दूषित कर रहा है, साथ ही साथ हमारी मिट्टी के लिए यूरिया नशा बना हुआ है। हरित क्रांति के बाद हमारा ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है वो 0.5% के आसपास था, आज वो घट के 0.2% के आसपास हो गया है, मतलब दिन ब दिन हमारी मिट्टी का कार्बन घट रहा है और आने वाले समय में बंजर का खतरा बना हुआ है। यूरिया इसलिए डाला जाता है कि हमको नाइट्रोजन देना है, तो नाइट्रोजन के मार्केट में बहुत सारे सोर्स हैं, आप अमोनिकल फार्म में अभी डालिए, अभी लिक्विड वाले नाइट्रोजन आ गए, आप उसका स्प्रे करिए, हमारी मिट्टी भी ख़राब नहीं होगी और प्लांट उसको नाइट्रोजन के रूप में लेगा। दूसरा इसमें सल्फर 17% रखा गया, ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि NPK के बाद अगर जो मुख्य जरूरी तत्व है तो वह सल्फर है। इंडिया में 100 किसान भाइयों के अगर मिट्टी परीक्षण कराते हैं तो 42% किसान भाइयों के खेत में मिट्टी के अंदर सल्फर की कमी पाई गई है, इसलिए सल्फर डालना बहुत ज़रूरी है। हम हरित क्रांति के बाद NPK ही डालते आ रहे हैं, सल्फर बहुत सारे किसान भाई डालते हैं बट एक एवरेज में लगभग ये नहीं डलता है, तो सल्फर का बहुत बहुत बड़ा सोर्स है। यहाँ पर सल्फर एक एडिशनल डाल दिया है गवर्नमेंट ने, सल्फर के बहुत सारे काम है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं बहुत सारे सल्फर के वीडियो बने हैं, लेकिन मुख्य जो काम है ऑयली वाली जो हमारी फसल है जैसे सोयाबीन हुआ, तिली हुआ, अपना मूंगफली हुआ, इसमें तेल की जो मात्रा बढ़ाता है वो सल्फर बढ़ाता है। सल्फर कैसे बढ़ाता है, एसिटाइल को एंजाइम ए को एक्टिवेट करता है जिससे फैटी एसिड बनता है और फैटी एसिड से तेल की मात्रा हमारी फसल में बढ़ती है। यदि आपको इसके बारे में सल्फर के बारे में पूरा वीडियो चाहिए तो ये आई बटन को क्लिक करिए, यहाँ पर आपको 2 मिनट के वीडियो में पूरा सल्फर के बारे में बता गया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं एक नए जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक अपनों की हेल्प कीजिए, किसान भाइयों की हेल्प कीजिए और देश के विकास को गति दीजिए। जय हिंद।